हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कि इतना ज़्यादा अंडररेटेड है आज के टाइम में, और फीचर्स के मामले में देखी जाए तो कंपटीशन में जो उसके कंपटीशन दूसरी गाड़ियाँ आती हैं उनके बेस वेरिएंट मतलब पड़ते हैं इतने के जितने का आपको टॉप वेरिएंट मिल जाता है इसका। और फीचर्स के मामले में बात करें तो जितने भी फीचर्स आप सोचोगे कि टॉप मॉडल में होने चाहिए वो सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड करा देती है। और लुक वाइज भी अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। एक रिलायबल ब्रांड है होंडा, होंडा के ब्रांड के साथ आती है, फिर भी पता नहीं बंदे क्यों इसे अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं और क्यों इसकी तरफ नहीं जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि क्यों आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो तो डीजल और पेट्रोल में अभी भी आती है ये, और ये पेट्रोल वाला वेरियंट है, VX टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है इसका। और इसकी एक्स शोरूम कीमत आपको बताऊँ तो ये 990,000 के आसपास आपको एक्स शोरूम पलवल हरियाणा पड़ता है, और ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट क्वेरी करता है और कितना अच्छा ऑफर इस पे आपको मिल जाता है ये उस पे डिपेंड करता है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और थोड़ा देखा करो भाई एंड तक। इंटरेस्ट तो जब भी बनता है जब पूरी गाड़ी को देख लेते हैं तो एक बार ज़रूर मतलब थोड़ा देखा करो वीडियो को ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। तो अभी इसके बारे में बातचीत करते हैं, चाबियों से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसी आपको चाबियाँ मिलती हैं टिपिकल होंडा कीज जैसी होंडा की आती हैं, छोटे छोटे से की फॉब्स आते हैं, यहाँ पे डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिलती है और यहाँ पे अपना फिजिकल की भी आप एक्सेस कर सकते हो। इस बटन को ज़्यादा स्लाइड में करोगे तो पीछे होंडा का लोगो है, और दिखा देता हूँ एसी की चाबी है ये देखो, तो ये है। और थोड़ा शोर शराबा आए तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऑन हाईवे अभी हम खड़े हुए हैं। तो अभी इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो फेस लिफ्ट इसका आया था उसके दौरान इसको मिले थे यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प जो कि व्हाइट लाइट आपको ऑफर करते हैं, DRLs मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स हैं, पार्किंग बल्ब हैं, और जो ये एग्रेसिव लुक है ये इसको मिलती है मतलब बेस वेरियंट में भी इसके में आती है। और ये इतनी मतलब ब्रॉड लगती है, अगर एक शब्द में आपको बताऊँ तो काफ़ी ब्रॉड लगती है। तो ये है कुछ सामने से सीन, यहाँ पे LED बेस अपने यहाँ पे मिलते हैं, फॉग लैंप्स ये भी आपको व्हाइट लाइट ऑफर करेंगे, टोइंग हुक वगैरह के लिए यहाँ पे मिल जाती है प्लेसमेंट, काफ़ी बड़ी सी होंडा की ग्रिल मिलती है, होंडा का लोगो है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है, स्किड प्लेट्स हैं, एक SUV सेगमेंट की गाड़ी है ये, तो इसमें स्किड प्लेट्स और साइड क्लैडिंग्स आपको मिलती ही मिलती हैं। और साइड सेक्शन में आते हैं, और साइड सेक्शन की बात करें तो उसके डायमेंशंस आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर हम इसे SUV बुलाते हैं तो उसकी डायमेंशंस कितनी है, तो आप देख लेना कितनी लंबी चौड़ी ऊंची है ये गाड़ी। साइड क्लैडिंग्स आपको मिलती हैं ऑल ओवर द कार, और मशीन का अलॉय व्हील्स मिलते हैं साइड सेक्शन में। और इसके टैक्स की बात करें तो अपना ये ब्रेस्टोन के आपको टायर्स देखने के लिए मिलते हैं, 195/60R16 के कुछ ऐसे मिलते हैं मशीन का अलॉय व्हील्स, 16 इंच के हैं ये, और पूरी रनिंग वगैरह पे भी पूरी क्लैडिंग हो रखी है, काफ़ी बड़ा सा और प्रैक्टिकल अपना एक क्वार्टर पैनल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और इसकी वैल्यू कितनी है ये भाई ट्रैफिक में या फिर टर्न लेते टाइम ही पता चलती है। बॉडी कलर्ड ORVM से इंडिकेटर्स के साथ, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो एडजस्टेबल ये है अंदर की साइड से इलेक्ट्रिकली, और फोल्ड एंड फोल्ड भी आप इसे कर सकते हो, और दोनों ही साइड यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। तो ये देखो बॉडी लैंग्वेज भी आप देख सकते हो गाड़ी की, ऊपर की साइड सेगमेंट की देखो पैनारोमिक रूफ तो आती ही आती है, सेगमेंट में जो सनरूफ होती है उसमें सबसे बड़ी सनरूफ मेरे हिसाब से इसको मिलती है, क्योंकि आपने मतलब मोस्टली गाड़ी में देखा होगा कि सनरूफ है, नाम की है, बट वो इतनी प्रैक्टिकल है नहीं, मतलब एक बच्चा निकल जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, अगर कभी कभी किसी अडल्ट का मन करे तो वो निकल ही नहीं सकता। तो इसके अंदर प्रैक्टिकल सनरूफ भी आपको मिलती है, काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है ग्लास पैनल्स का, यहाँ से देगा गाड़ी के अंदर पेट्रोल। और ये देखो पीछे से क्या शानदार लगती है ये, पता नहीं यार क्यों बंदे अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं इसे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को भी थोड़ा ध्यान दो यार, मतलब वो तो अपना वो होगी भेड़ चाल वाली बात होगी, सेल्टॉस क्रेटा, और जितने के उनके बेस वेरिएंट भी नहीं आते भाई उतने का इसका टॉप वेरिएंट आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसा ब्रांड है कि भाई जिसको जानते ही नहीं है, रिलायबल ब्रांड है होंडा का, IVTEC इंजन इसको मिलता है और ID.TECH डीजल इंजन भी इसको मिलता है, तो डीजल पेट्रोल दोनों में आती है और दोनों ही इंजन बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ऊपर की साइड रूफ रेल्स मिलती हैं, शार्पन एंटीना है, स्टॉप लैंप की प्लेसमेंट है, डिफॉगर वाइपर दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और ये देखो कुछ ऐसे मिलते हैं LED बेस अपना टेल लैंप्स, WRV की बैजिंग है, और ये थोड़ी स्मोकी लाइन्स दी हुई हैं, इसे थोड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि आपको पता है भाई बाहर खड़ी हुई है और 2-3 दिन से बारिश का मौसम ऐसा चल रहा है, कितना ही कपड़ा मार लो अभी धूप निकल रही है, 1 घंटे बाद फिर ऐसी हो जाएगी, कुछ फ़ायदा नहीं। और यहाँ पे आपको मिलता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये देख लो, और 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं पीछे की साइड, रिफ्लेक्टर्स आप देख सकते हो, स्किड प्लेट्स वगैरह हैं। और बूट कैपेसिटी की बात करें तो एक सेकंड बस, ये है सिंपल, यहाँ पे बटन मिल जाती है, जैसे एक बार प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा इजीली,
और यहाँ पे मिलती है 363 लीटर्स की बूट कैपेसिटी, और यहाँ पे बूट लैंप भी आपको मिल जाता है, और इसी के नीचे स्पेयर व्हील मिलता है। टूल किट वगैरह आप देख सकते हो किस तरीके से अरेंज की हुई है। ब्रिजस्टोन का ये टायर है, अब ये पूरा हटाना पड़ेगा और मैं टायर सेक्शन बता देता आपको। तो ये है, और पीछे से आप देख सकते हो व्यू, पार्सल ट्रे वगैरह भी आपको मिल जाती है इसके अंदर। तो ये है सिंपल, यहाँ से करेंगे बंद। मॉडल VX की बैजिंग, इंजन IVTEC की बैजिंग, और ये है पूरा सीन। और अभी ड्राइवर साइड डोर से दिखा देता हूँ आपको कि अंदर से आपको क्या क्या ऑफर करती है। तो यहाँ से, और देखो इधर की साइड में अपना रिक्वेस्ट सेंसर है, जब को पैसेंजर साइड मिलता है तो ड्राइवर साइड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पूरी ब्लैक थीम मिलती है यहाँ पे, बस इस वाले पोर्शन को छोड़ के छोटी छोटी लाइन्स हैं। ये अपना डोर लिवर है जो ये सिल्वर का है, बाकी टोटली सब कुछ ब्लैक है। फैब्रिक दे हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई फैब्रिक वगैरह नहीं है। चारों पार विंडोज हैं, ड्राइवर साइड विंडो जो है वन टच अप डाउन है। डोर्स के लॉक, विंडोज के लॉक, ORVMs को आप यहीं से फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। स्पीकर की प्लेसमेंट बोटर होल्डर की प्लेसमेंट है, और यहाँ पे मिलती है 6-way मैनुअल एडजस्टेड ड्राइवर सीट, जो कि फैब्रिक सीट्स मिलती हैं आपको, जिनके ऊपर ये वाइट स्टिचिंग आप देख सकते हो, और 6 तरीके से ना आगे पीछे ऊपर नीचे आप कर सकते हो एडजस्ट। यहाँ पे लाइट लेवलिंग डायल है, फ्यूल लिड खोलने के लिए लेवर है, बोनट खोलने के लिए लेवर है, 3 पैडल्स हैं यहाँ पे, एक्सलेशन ब्रेक क्लच, डेड पैडल के लिए भी अलग से प्लेसमेंट दी हुई है, ग्रिप लगा रखी है आप देख सकते हो वहाँ पे। और अभी अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कप होल्डर प्लेसमेंट मिल जाते कुछ इस तरीके से, और भाई सेगमेंट का मैं तो कहूँगा सेगमेंट का लिटरली काफ़ी बड़ा मतलब डैशबोर्ड एरिया इसको मिलता है पूरा वहाँ तक। और ये देखो, ये है क्वार्टर पैनल्स, मतलब पूरे विजिबल हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ शो के लिए हैं, पूरे विजिबल हैं, और मतलब सही है ये, मतलब टर्निंग टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज होते भी हैं। और ट्विटर्स वगैरह आप देख सकते हो कहाँ पे लगे हुए आगे की साइड। और एक सेकंड, कीलेस एंट्री में आपको मिलती है, तो यहाँ पे मिलती है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इसे एक बार प्रेस कर देते हैं तो देखो रेड कलर की लाइट जल्दी स्टार्ट होगी इसके अंदर। इन्फोटेनमेंट सिस्टम ये ऑन हो चुका है, ये देखो होंडा का लोगो आ गया इसके ऊपर। यहाँ पे निडल्स के अंदर लाइट आ चुकी है ब्लू कलर की, अभी बिल्कुल ही धूप निकल रही है तो अभी ऐसा आपको आइडिया लगेगा नहीं। तो ये है, अभी ये ऑन हो चुका है, मतलब स्टेयरिंग व्हील जो है अनलॉक हो चुका है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑन हो चुका है, और इसे एक बार और ऑन कर दें तो ये देखो कुछ इस तरीके से ग्लो करता है क्लस्टर। और एक सेकेंड, स्पीड थोड़ी कम कर लेता है। तो ये देखो सामने से कुछ ऐसा मिलता है क्लस्टर, एनालॉग डायल्स हैं, और ये इतने प्रीमियम लगते हैं भाई, इतने प्रीमियम लगते हैं, इनकी तारीफ में मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अब ये जितने भी टाइम तक गाड़ी ऐसी रहेगी, जितनी बार ये ऑन होगा ना, इतने ही प्यारे लगेंगे। तो डिजिटल की तरह ऐसा नहीं है कि पुराने लगने लग जाते हैं, ये हमेशा प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे 8000 तक के RPM है, क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट आप देख रहे हो 220 की टॉप स्पीड है, बीच में MID में मतलब यहाँ पे छोटी सी अपनी इमरजेंसी लाइट जो यहाँ पे ब्लिंक करती रहती है, और ये वाला पोर्शन जो है ये डिजिटल मिलता है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे टाइम ट्रिप, कितने किलोमीटर चली है, टोटल आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। और यहाँ पे हैं वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं, और स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो ये भी सही है अपने आप में। और ये कुछ इस तरीके का मिलता है 3-spoke मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील, जिसपे अपना सभी कंट्रोल्स मिलते हैं इन्फोटेनमेंट के। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी आपको मिलता है, फ़ोन उठाने काटने के लिए बटन है, वॉइस कमांड वाली बटन भी यहाँ पे मिल जाती है, और गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैंडी सा मिलता है ये स्टेयरिंग व्हील, मतलब लगता ही नहीं है कि हाँ भाई आप इतनी बड़ी गाड़ी को चला रहे हो, बहुत एकदम लाइट स्टेयरिंग व्हील फील होगा आपको। तो ये है कुछ स्टेयरिंग व्हील का सीन, और थोड़ा पीछे कर लेता हूँ सीट को ना, ताकि आपको व्यू मिले पूरा। तो डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक सेकंड में, यहाँ पे वैनिटी मिरर है, लाइट वगैरह नहीं है बट यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको मिल जाता है। यहाँ पे 2 येलो कलर की रीडिंग लाइट कुछ इस टाइप की मिलती हैं, सनरूफ मिल जाती है, और ये सनरूफ के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। मैनुअल डिमिंग IRPM यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ड्राइवर साइड भी यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एसी वेंट्स आप देख सकते हो, ये सिल्वर हाईलाइट्स मिलती है एसी वेंट्स के चारों तरफ, ये सिल्वर की एक स्ट्रिप मिल जाती है, काफ़ी बड़ा सा एरिया मिल जाता है यहाँ पे। टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, और ये पैनल सामने जो देख रहे हो ग्लॉसी मिलता है यहाँ पे, हजार लाइट की बटन है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये जो है 7 इंचेस का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो कि एंड्रॉइड ऑटो एपल कार प्ले के साथ आता है यहाँ पे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स के साथ, ये 1.5 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, और ये 12 वोल्ट का रिचार्जिंग सॉकेट यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। थोड़ी स्पेस है, कप होल्डर्स है, और यहाँ पे मिलता है 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, ये देख सकते हो छोटा सा है बिल्कुल,
मतलब लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ऑटोमेटिक गियर लीवर दे रखा हो, बहुत ही छोटा सा है। तो ये है, और यहाँ पे मिलता है हैंड ब्रेक सिल्वर टिप के साथ, चाबी वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो इन दी केस अगर यूज़ नहीं कर रहे हो। और ये देखो भाई, पूरा मतलब सरफेस ही डिफरेंट लेवल का है इसका, ये सारा कुछ सीन यहाँ पे है। और अब यहाँ से कुछ रहेगा तो पूछ लेना आप कमेंट्स में, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी रिप्लाई दूँ। और ये सीट कर लेता हूँ अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट, और फिर चलते हैं पीछे। तो ये अभी एडजस्ट हो चुकी है और पीछे चलते हैं, एक सेकंड इसे बंद करके। तो अभी पीछे जाने से पहले ये और देख लो पीछे का डोर पैनल, यहाँ पे भी फैब्रिक मिलता है सेम, ये हाईलाइट्स आपको मिलती हैं, पावर विंडो कंट्रोल, थोड़ी स्पेस, बोट होल्डर प्लेसमेंट, स्पीकर की प्लेसमेंट। और अभी पीछे की स्पेस आपको दिखाता हूँ। तो होंडा की सिर्फ इसी के अंदर नहीं, होंडा की जैज ले लो, अमेज ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो आप, छोटी से छोटी भी, उसके अंदर आपको ये लाजवाब स्पेस देखने के लिए मिलेगी। स्पेस के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज विद होंडा, मतलब क्या है कि इतना स्पेस ये आपको ऑफर कर देती है कि सेगमेंट में इसके कंपटीशन में भी इतना स्पेस आपको नहीं मिलेगा। तो ये देख लो आप, और जो नीचे का जो सरफेस है ना वो ऐसे नहीं है, थोड़ी सी ऐसे, तो पैड थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भी नीचे प्रॉपर अपना स्पोर्ट लगी हुई है, प्रॉपर रेस्ट पोजिशन पर चले जाते हैं पैर। और पीछे से देखो कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पे ग्रीडिंग लाइट भी मिलती है, 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स है जो कि ऐसे इजी फोल्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे कोट वगैरह टांगने के लिए हुक भी है। और यहाँ पे 1, 2 सिर्फ 2 ही एडजस्टेड हेडरेस्ट हैं, ये सीट्स के अंदर ही इंटीग्रेटेड आपको मिलते हैं। और काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है, लिटरली काफ़ी अच्छा एरिया मिलता है एयर इनटेक के लिए, मतलब ऐसा घुटन सी फील नहीं होती है, और सीट्स पे स्पेस भी काफ़ी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे बंदा मतलब ऐसा फील नहीं करेगा कि हाँ भी मैं बहुत ज़्यादा टाइट हूँ, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड बैठा हूँ, ऐसा कुछ फील नहीं होगा यहाँ पे। और ये सीट मैंने मेरी हाइट के हिसाब से करी है एडजस्ट आगे वाली 5-9 के हिसाब से। तो ये देख सकते हो दोनों ही सीट्स पे यहाँ पे पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं, मिनिमल सांप जरूर है पर 3 बंदे यहाँ पे बैठ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये पूरा कुछ सीन था यहाँ से, और अभी चलते हैं इंजन कंपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो अभी इंजन में की बात करें तो यहाँ पे देखो आप इंसुलेशन पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और यहाँ मिलता है होंडा का बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन, होंडा आईवी टेक, मतलब ये नाम ही काफ़ी है इंजन के मामले में, ये नाम ही काफ़ी है। और यहाँ पे आपको मिलता है 1199 cc का 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 88 bhp निकालता है, 110 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिलता है, और 16 माइलेज कंपनी क्लेम करती है 40 लीटर्स के फ्यूल टैंक से। बट अगर प्रैक्टिकल माइलेज की बात करें तो 14 से 12 के बीच में आप मान के चलो निकाल देगी, क्योंकि SUV है, थोड़ा वेट वगैरह भी है। तो ये है सीन, एमरॉन की यहाँ पे बैटरी मिलती है, और ये पूरा इंजन भी आप देख सकते हो एक बार और, हम एक सेकंड इसे बंद कर लेते हैं फिर से। तो ये थे आपके सामने होंडा WRV, मोस्ट अंडररेटेड SUV मैं इसे कहूँगा, मतलब फीचर्स खूब है गाड़ी के अंदर, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ से, बट फिर भी बंदे इस गाड़ी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो वो भाई अपना माइंडसेट होता है। एक अच्छे प्रोडक्ट को भी मौका दो, चलेगी ये भी, चलती वो भी है, और अभी तो आपने देखा भी होगा कि उन गाड़ी के साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कस्टमर्स को डील करने में। तो ये है, तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे किसी दूसरे ब्रांड के बेस मॉडल के प्राइस में आपको किसी दूसरे ब्रांड का टॉप मॉडल मिल जाए, तो मैं तो कहूँगा भाई इसकी तरफ आप जाओ, बेझिझक जाओ, क्योंकि बहुत लेवल प्रोडक्ट है, ना इंजन पे डाउट है, ना गाड़ी की क्वालिटी पे डाउट है कि भाई मतलब किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज है। तो ये पूरा सीन है यहाँ पे, और इस गाड़ी को लेके आपकी क्या राय है वो जरूर बताना कमेंट्स में, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे भी शेयर करना, और हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में। बाय बाय।